हम लोग बनाने जा रहे हैं नाचोस। नाचोस बच्चों का तो बिल्कुल फेवरेट होता है और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो नाचोस बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज के प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 6-7 कलियां लहसुन की, और इन दोनों चीजों को हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने एक जार लिया है, मैं इस लहसुन को इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद इस प्याज को भी मैं इसमें डाल लूंगी और इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। अब मैंने एक पैन को चढ़ाया और पैन में मैं एक कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन गार्लिक का पेस्ट जो कि मैंने अभी बनाया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से नाचोस बनाने पे ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और साथ ही मसालों का जो प्याज वगैरह यूज किया है उसका इस पानी में फुल फ्लेवर आ जाता है, तो हमारे नेचुरल्स भी बहुत यमी बनते हैं। और अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच जीरा। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाना चाहते हैं ना, 1 चम्मच नमक डाला। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाना चाहते हैं या फिर इस फ्लेवर का आप नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आप प्याज लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, 1 चम्मच में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऐसा करने से ना बहुत ही लाजवाब बनते हैं हमारे नेचोस। ऑयल डालने देने से हमारे नेचोस काफी क्रिस्पी बनते हैं। तो एकदम मार्केट वाला अगर आपको नेचोस चाहिए तो आप इसी तरीके से बनाएं। अब एक चम्मच या आधा चम्मच आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीजों का ना इसमें पकाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर यूज किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें जब उबाल आने लगेगा तो मैंने इसमें ऐड किया चावल का आटा, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और उसको मिक्स करती जाऊंगी। एक साथ ऐड कर देने से ये सही से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करें और उससे इसको चारों तरफ से चलाते हुए मिक्स करते रहें। मैंने इसमें 1 कटोरी चावल का आटा डाल दिया है और अब मैं इसको चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपका कुछ इस तरीके से डो बनने लगेगा। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। दोस्तों, मेरा डो तो बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो अगर आप में आपको लगता है कि आप में पानी कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके इसमें डालें। या फिर अगर लगता है कि आपका कुछ ज्यादा पानी है तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बट मेरा ये परफेक्ट बना है क्योंकि मैंने इस सही मेजरमेंट से बनाया। अगर आप भी मेरे वाले मेजरमेंट से बनाते हैं तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इसको आपको थोड़ा गर्म ही हैंडल करना पड़ेगा, हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के इसको आप इसको हल्का सा मार लें। इसको 2 से 4 मिनट अच्छे से गूथ लिया है मैंने। ऐसा करने से हमारा डो चिकना हो जाएगा और आगे हमें बेलना है इसको, तो बेलना हमें काफी आसान पड़ेगा और उससे हमारी नाचोस फटेंगे नहीं बेलते वक्त। डो हमारा रेडी है। डो को हम ढक के ही रखना है, अदरवाइज ये ऊपर से सूखेगी। और साथ ही मैंने लिया है चावल का सूखा आटा, इसको मैं डस्टिंग के लिए यूज करूंगी। तो मैंने इसको डस्ट किया और अब हम एक लोई बदलेंगे।
मैं इसे एक रोटी के साइज का बेल लूंगी। इस साइज का मैंने बेल लिया है और इसके क्रैक्स से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसमें जो क्रैक्स पड़ा है वो हम काट के निकाल देंगे, इसको एक फाइन बना लेंगे। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से काटना है, क्योंकि हमारे मार्केट में जो नाचोस मिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके के हमें पैकेट वाले ही नाचोस की सेम लुक सेम टेस्ट का बनाना है। सेम आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही नाचोस मिलेंगे। इसकी काटने की स्टाइल बहुत ही ध्यान से देखिए। इसको एक ट्रायंगल का शेप देना है, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ट्रायंगुलर शेप के कट रहे हैं। क्यों, मार्केट के भी नाचोस ऐसे ही होते हैं ना। इसकी थिकनेस को भी ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, तो इसकी थिकनेस को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ऐसा बिल्कुल मार्केट के नाचोस जैसा ही थिकनेस आपको मिलेगा। डस्टिंग कर करके इसकी फिर से मैं रोटी बना रही हूं। किनारों को काट लिया। इस तरीके की पहले हम पट्टियां बना लेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे। काटने की स्टाइल को बहुत ध्यान रखना है, तभी मार्केट वाला लुक आएगा। इसको किया किनारे और अब मैं निकालूंगी इसमें से ट्रायंगल। ट्रायंगल लाजवाब। थिकनेस है हमारी ये। सभी नाचोस को मैंने इस शेप में काट लिया है और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेप इसकी प्रीकिंग करना, तो उसके लिए मैंने लिया है एक फॉर्क। फॉर्क से मैं इसके दोनों साइड में प्रिक कर रही हूं। ऐसा कर देने से ना कि जब ऑयल में जाएंगे तो फूलेंगे नहीं, अदरवाइज ये फूल भी सकते हैं, तो हमें प्रीकिंग तो बिल्कुल मस्ट है। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सभी नाचोस में मैं ऐसे ही प्रीकिंग कर लूंगी। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और ऑयल भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मीडियम टू हॉट कर लेना है और अब मैं उसमें नाचोस डाल रही हूँ। फ्लेम हमारी लो है और इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा चला लें। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरीके से ना हमारे नाचोस बिल्कुल मार्केट वाले टेस्ट के बिल्कुल मजेदार लाजवाब रेड होने बिल्कुल शुरू हो गए हैं और ऐसे ये गोल्डन होने लगेंगे ना, तो इन्हें इट मीन्स ये पकने लगे हैं। आप इन्हें त्योहारों में बनाए बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, तो आप इसको बिल्कुल निश्चिंत हो के इस तरीके से बनाए, बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनते हैं। और अब ये गोल्डन जब हो जाए तो अब मैं इसे निकाल लूंगी, एक स्टेनर पे निकाल ले, इसका ऑयल स्टेन करा ले।
और हमारे नाचोस बिल्कुल रेडी हैं। अब आती है इनके सर्विंग की बारी। तो फ्रेंड्स, इसको जिस भी फ्लेवर आपको पसंद हो उस फ्लेवर का इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पास्ता मसाला यूज कर रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच पास्ता मसाला। मसाला बिल्कुल भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फ्रेंड्स, आप इसमें पुदीने के पत्ते को सुखा के, उसको आपके पास पड़े होंगे तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे मिंट फ्लेवर्ड नाचोस बनेगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। इस तरीके से हमारे बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है, और साथ ही ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये चिप्स वगैरह चटकीले तो होते ही हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। ये सारी चीजें आप अपने स्वादानुसार ही डालें। साथ ही मैं इसमें डालूंगी मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर भी मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। साथ ही आप इसमें चाट मसाला का यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास आप जो भी फ्लेवर्ड के मसाले हो आप उसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। आशा करती हूँ कि आपको भी ये जरूर पसंद होगा। बहुत ही हल्के हाथों से फोर्क के हेल्प से मैं इसे मिला रही हूँ। आप इस क्योंकि ये क्रिस्प होते हैं इसलिए ये टूट भी सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिलाएं और बिल्कुल लाजवाब मार्केट जैसे नेचुरल्स आप घर में रेडी करें। फ्रेंड्स, इसे चाय के साथ नाश्ते में स्नैक्स, बहुत ही लाजवाब स्नैक्स हैं और बिल्कुल मार्केट में ट्रेंडिंग स्नैक्स हैं। तो आप इसको जरूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक इसे जरूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। Thank you very much. Thanks for watching. Bye bye till my next video comes. Hope you enjoyed this recipe.